नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मांडा में नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला गिरफ्तार। वह जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को थाना अतरा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बांदा के सकुशल निर्देशन में वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र और क्षेत्राधिकारी अतर्रा सत्यप्रकाश शर्मा के निकट पर्यवेक्षक में आज दिनांक 7 जनवरी 2023 को थाना तर्रा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले वे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 2 जनवरी 2023 को अभियुक्त अफजल पुत्र अजीत बख्श निवासी इचोली थाना मोहदा जनपद हमीरपुर कस्बा तर्रा से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया था तथा उसका जबरन मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करा दिया गया था। दिनांक 6 जनवरी 2023 को लड़की को बांदा रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था। गिरफ्तार करने वाली टीम में अनूप कुमार दुबे प्रभारी निरीक्षक तर्रा, उप निरीक्षक संतोष कुमार सरोज, कांस्टेबल नकुल राय, कांस्टेबल पंकज आर्य शामिल थे। संवाददाता हीरामन यादव की रिपोर्ट। सर, थाना तर्रा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, क्या मामला है? थाना तर्रा में 2 जनवरी को एक अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 3/23 धारा 363, 376, 3/4 पोस्को अधिनियम एवं 3/5 विध विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त अफजाल पुत्र अजीत बख्श जनपद हमीरपुर का रहने वाला है, जिसे आज जेल भेज दिया गया है।